भाई साहब टाइम कितना हुआ? साढ़े पाँच बजे का टाइम दिया था और 5:30 बज गए और लड़की का पता नहीं। अरे कम से कम अगर आप लेट हो रहे तो पेश तो कर सकते हैं ना। नहीं, मैं ही बेवकूफ हूँ ना जो उसके साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बना है। यार ये घड़ी भी रुक गई है। भाई साहब टाइम कितना हुआ? बोले ने साहब 5:31:13। क्या है, 6 बजे तो फिल्म शुरू हो जाती है और टिकट भी तो लेनी है। नहीं आएगी, कॉल नहीं आएगी, वो जाओ अकेले जाके देखो, टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पर। नहीं टाइम वेस्ट, मैं लड़कियों के चक्कर में पड़ूंगा। 6 बजे क्या आएगी? I'll be there in 15 minutes, Preeti. ठीक है, कम से कम आ तो रही है। ये राय दुरुस्त है, लेकिन 15 मिनट क्या करूं? चलना म्यूजिक शॉप में टाइम पास करते हैं। No thanks. Sir, why don't you try this one? ये नया track है और we have to. Please let me see. Please. Yes. This is the Western classical section. Sorry. सर आप तुलु हैं? जी जी नहीं, पर ये तो तुलु पॉप है सर। हाँ वो हम लोग बैंगलोर से है ना। इट्स लाइक तुलु इज लाइक माय माय मदर। ओके, और वैसे भी सर ये पीस बहुत मुश्किल से मिलता है, सिर्फ हमारी शॉप पे अवेलेबल है। मैं जानता हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आया था। आई लव तुलु पॉप। तारा री रा रा रा। उस हिसाब से जस्ट अ मिनट सर, मैं आपको एक और म्यूजिक पीस देती हूँ। ये लास्ट पीस बचा है, यू लव लिसनिंग टू इट। आई डोंट वांट। नो सर, प्लीज आप ले जाइए, इट्स अ वेरी गुड। मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ी मैडम, गलती से टूट गई। I'm sorry sir, it's a rule, we have to pay. आज पिक्चर रहने देते हैं। क्यों? वो मेरे किसी ने जेब काट लिया आज। What? हाँ, पता नहीं किसका मुंह देखकर उठा था मैं सुबह। आज कितना मूड था पिक्चर जाने का। I know, but I'm sorry, फिर कभी चलेंगे। आज का मजा तो किरकिरा हो गया ना। Oh, hi, Romy. After such a long time. तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस घर जाने का सोच रही थी। तुम कि
किधर जा रहे हो? मैं तो पब जा रहा हूँ. Oh, that's great. Bye, Paul. I'll see you tomorrow in the office. प्रीति, सुनो मेरी बात. हम लोग कल. अरे प्रीति. खराब है ये सब कुछ इन सीढ़ी की वजह से हुआ है. मुझे क्या जरूरत है इस दुकान में जाने की? तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, तेरी वजह से. जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को डेट पे ले जा रहा था लेकिन तूने सब किए किराए पर पानी फेर दिया. और गुड फॉर नथिंग पॉल, तू कुछ नहीं कर सकता है. हो गया पॉल, कुछ नहीं. अरे तुम तो बोल के गया था कि तुम देर से आएगा, पिक्चर देखने को जाएगा. टिकट नहीं मिला. ये क्या है? टुल्लू पॉप. तू टुल्लू पॉप कब से सुनने लग गया? आज से, अभी से. तुम खाना लगाओ ना. ये लड़का क्या करते रहता है? देखूं तो क्या है 700 रुपए का चूना. ये टुल्लू पॉप तो खराब है. गुड, वेरी गुड. अब दिखाऊंगा मैं उन्हें. यस सर. हर उसकी बात मेरी आप ही हंसती, मेरी आप ही रोंदी. ये क्या है? ओ हाय. हाय हाय तो ठीक है लेकिन ये क्या है? दीदी है. तो मुझे भी मालूम है मैडम ये सीडी है लेकिन ऐसी सीडी दी आपने मुझे? मैं कुछ समझी नहीं. गुड, वेरी गुड. अगर आपकी शॉप में गलती से किसी से सीडी टूट जाती है तो आप पूरे पैसे ले लेते हैं लेकिन पूरे पैसे लेने के बाद भी आप लोगों को ऐसी सीडी देते हैं, राइट? मतलब आपको याद नहीं है मैं यहाँ पर आया था कल आपसे सीडी लेने? सर मुझे अच्छे से याद है कि कल आप आए थे और आप ये टुल्लू पॉप लेकर गए. टुल्लू पॉप एग्जैक्टली. लेकिन मैडम आपका टुल्लू पॉप चलता नहीं है. खराब सीडी दी आपने मुझे. I'm extremely sorry sir. मैं अभी आपको चेंज करूँ. वो तो करनी पड़ेगी लेकिन एक बात बताइए क्या आप पूरे पैसे लेने के बाद ही लोगों को इसी तरह से परेशान करते हैं? सर देखिए इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने जानबूझ कर किया है. अब ये सारी सीरीज और कैसेट्स तो कंपनी से ही पैक होकर आती है. इट्स नॉट आवर फॉल्ट सर. फॉल्ट तो मेरी थी जो शॉप में आया. जरा सी दो सीडीज के टूट गई, पूरे पैसे भर वाली 420. रियली सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा. आइंदा आएगा कौन आपकी शॉप में? सर आप इतना नाराज मत होइए, मैं अभी आपको चेंज कर दूंगी. वो तो करनी ही पड़ेगी. प्लीज पास. सिंगर का नाम आप बता सकते हैं? सिंगर का नाम है कमाल. कमाल है, आपको सिंगर का नाम तक नहीं मालूम? इस शॉप में कौन काम करता है, आप या मैं? जी हाँ. अब आप कहेंगे कि मुझे सिंगर का नाम नहीं मालूम, फिर कहेंगे कि ये सीडी स्टॉक में नहीं है. राइट सर, ये सीडी वाकई शॉप में अवेलेबल नहीं है. देखा, मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ होने वाला है. देखिए मैडम ये सब कुछ मेरे साथ नहीं चले. एक्चुअली मुझे टुल्लू समझ में नहीं आती और इसमें सब कुछ टुल्लू में लिखा है. तो आप प्लीज मेरे को ये सिंगर का नाम बता दीजिए, मैं अभी गोडाउन फोन करके मंगवा देती हूँ. सिंगर का नाम? सिंगर का नाम है वो बीवीएस लक्ष्मण. बीवीएस लक्ष्मण? जी हाँ, बीवीएस लक्ष्मण. ही इज अ पॉपुलर टुल्लू पॉप सिंगर. ही सेल्स मेनली ऑफ फिश. नेहा, क्या क्रिकेटर सिंगर नहीं हो सकता? नहीं नहीं सर, जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? इनका ये मतलब नहीं था. जस्ट मिनट सर, हम जरा चेक करते हैं. एक्सक्यूज मी. यस. शिव शेट्टी का टुल्लू एल्बम मिलेगा? जी वो तो स्टॉक में नहीं है. मतलब कह टुंडू पनपल कर पूजल पनपल. एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग हाँ. ये लोग कह रहे हैं कि ये दुकान है या कबाड़ खाना. मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने इनके हाथ में दे नहीं रहे. आपका मतलब है कि ये शिव शेट्टी का एल्बम है? जी हाँ. आप आइए मेरे साथ. भले.
आप तुल्लू नहीं जानते? जी जी। तो फिर तो आप कभी मैंगलोर भी नहीं गए होंगे? तो फिर कल आपने ये तुल्लू सीडी क्यों खरीदी? दरअसल मैं कल कुछ खरीदने नहीं आया था। मैं तो किसी का वेट कर रहा था बाहर और टाइम पास करने के लिए अंदर आ गया और ये दो सीडीज टूट गए और 700 रुपए देने पड़ गए। तो ये सारा गुस्सा इसलिए था? सॉरी। एनीवेज अब आप मुझे ये बताइए कि इस सीडी के बदले मैं आपको कौन सी सीडी दूं? जी जी हाँ, कोई भी दे दीजिए। कोई भी चलेगी? हाँ चलेगी, जिसके खाने अच्छे हो, लेकिन तुल्लू नहीं। Sure, one minute. आप ये सीडी ले जाइए, इसके बहुत ही बढ़िया गाने हैं, जरूर पसंद आएंगे। और हाँ, कल आप बाकी की सीडीज भी वापस ले आएगा, मैं आपको एक्सचेंज करके दूंगी। अब मैं पैसे तो नहीं लौटा सकती क्योंकि ये दुकान मेरी नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ काम करती हूँ। ओके ओके मार्कस, थैंक्स थैंक्स, इट्स ओके। यार पॉल, नाम तो पूछना चाहिए था ना। अरे लोग पहली मुलाकात में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, और तुमको कितना मुस्कुरा के बात करें। कितने प्यार से कहा था ना उसने, विजिट अगेन। ऐसे ही थोड़े कोई कहता है, जरूर उसके मन में कोई बात है। लेकिन अब क्या करूं, कोई बात नहीं यार, इट्स नॉट अ बिग डील, कल जाके नाम पूछ लेते हैं। कल? हाँ कल जाके नाम पूछते हैं। लेकिन मैं कहूंगा क्या? एक्सक्यूज मी, मुझे ये सीडीज चेंज करानी थी। कौन सी तू? जो भी आपको पसंद हो, वैसे आपकी पसंद बहुत अच्छी है। जी हाँ, वैसे आपका नाम क्या है? अबे यार तू क्या कर रहा है, आपका नाम क्या है ऐसे पूछता है कोई? प्यार से, जरा जरा स्टाइल से। सुनिए एक सेकंड, सुनिए, मेरा नाम पॉल डिसूजा है और प्यार से लोग मुझे पॉल कहते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको लोग प्यार से क्या कहते? जी यस यस यस, आई कैन डू इट, यस। एक मिनट, एक मिनट यार, कम ऑन पॉल, यू कैन डू इट, गो, कम ऑन मैन, यस, प्लीज एक 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 लास्ट रिहर्सल कर लेता हूँ। हाय, आई एम पॉल, मेरा नाम पॉल है, तुम्हारा नाम क्या है? बाबू साहब चौधरी। जी बाबू साहब चौधरी। तुम्हारा नाम किसने पूछा? हटो। ओ मेरे दिल के चैन, चैन मेरे दिल को दुआ कीजिए। यस सर, मे आई हेल्प यू? जी मुझे सीडी चेंज कराने। जी मैं कर देती हूँ, लेकिन ये तो टूटे हैं। जी हाँ टूटे हैं, वो दरअसल उनको पता है, उनसे लेके गया था। हाय हाय, ये सीडी चेंज कोई भी तुलू पॉप वीवीएस लक्ष्मण।
कोई भी जो 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 अच्छी हो। अच्छी तो सभी होती है, अपनी पसंद की दे दूं? हाँ चलेगा। चलेगी? चलेगी। पक्का? पक्का। चलेगी आपकी पसंद से? मेरी पसंद। ठीक है, पैक कर दो। पक्का। वैसे नाम क्या है? किसका? मेरा? नहीं तो सिंगर का? शंकर महादेव। किसका? सिंगर का। हाँ हाँ सिंगर का। शिट बॉल, हाउ कैन यू डू दिस? यार इतना अच्छा मौका मिला था, उसने पूछा था कि किसका नाम, बोल देते हैं आपका। गुड फॉर नथिंग, लड़की से नाम नहीं पूछ सकते। तुमको? नहीं मामा, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा तबीयत खराब है पॉल? अरे मामा मेरी तबीयत एकदम ठीक है। तू तो अपने आप को इतना गाली क्यों बक रहा था? वो ऐसे काम से आया, थोड़ा थक गया, मैं फ्रेश हो गया था। ओह माय जीसस, क्या होता जा रहा है इस लड़के के दिमाग को? एक और सीढ़ी। ओह माय जीसस, ओह माय जीसस। ओ जी हेलो। ओ मिस्टर पॉल, बोलना यार सुरी। ओए मैंने मेहता के डिटेल मांगे थे, ये क्या है? ये मित्तल के डिटेल्स है, हटना। वो तो मेहता के कहाँ है? अरे मेहता को डिलीट कर दिया मैंने। तो क्यों कर दिया? तूने कब बोला था? मैंने कब बोला? अरे जब हम लोग खाना खा रहे थे तूने नहीं बोला था? ओए ओ मैंने मित्तल को डिलीट करने को कहा, तूने मेहता को कर दिया। तूने मित्तल बोला था और क्या? अरे श्योर। ओ शिट यार, आई एम सॉरी यार। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, बना के दे अभी। अरे अरे क्या हो गया तेरे को, अब भी बना? हाय सुरेंद्र। हाय। आज शाम को क्या प्रोग्राम है? ओ कुछ नहीं, दिमाग का दही कर दिया है लोगों ने। तुम बताओ, कल इतना इंतजार कराया, कहाँ थी तुम? कल मैं एक बहुत अच्छी हिंदी पिक्चर देखने गई थी। सीरियसली किसी लड़की को पटाना हो ना तो एक अच्छी सी हिंदी पिक्चर दिखा दो उसको। ऐसा कोई? अच्छा बालकनी में दिखाऊं कि स्टॉल में दिखाऊं? ये भी कोई पूछने की बात है। ये क्या है? ये मेहता का भाई खाता। तो डिटेल कहाँ है? डिटेल तो खुद बना ले। तो तू कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ हिंदी फिल्म देखने। क्या हो गया?
fine. Thank you so much. So, tell me, आज कौन सी सीडी लोगे? कोई भी, देख लेंगे. आप यही आसपास में ही रहते हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ. मेरी ऑफिस है यहाँ पर. वो बाटली वाला इंसान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उनके पास कहीं नहीं हूँ. Actually, this is my last year of CA. I'll give you my card. This is my name, Paul D'Souza. Paul. Okay, Paul. तुम बताओ कौन सी सीडी खरीदोगे आज? English, Hindi film song. Hindi film song. Actually, I love Hindi films. I just enjoy them. लेकिन क्या है कि मौका नहीं मिल पाता है फिल्में देखने का. और अकेले फिल्में देखने का मुझे कोई शौक नहीं है. मेरी भी यही problem है. Because of work, मैं भी फिल्में नहीं देख पाती. नहीं, लेकिन आज तो मैं 5:30 बजे फ्री हो जाता हूँ. मैं भी 5:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ. और वैसे भी इस शॉप के ओनर मिस्टर चंपक बहुत ही अच्छे हैं. अगर जल्दी जाना हो तो आराम से छुट्टी मिल जाती है. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा जी. हिंदी फिल्म की सीडी ढूंढे. सीडी? हाँ, सीडी. ठीक है, ढूंढते हैं. जी चलिए. मिली क्या? जी हाँ, ये ठीक है, पैक कर दीजिए. नहीं, मैं यही लेने आया था. ओके, विजिट अगेन. या श्योर. कुछ नहीं हो सकता पॉल, तेरा कुछ नहीं हो सकता है. अरे इससे ज्यादा कोई लड़की क्या इशारा करेगी? हैं, क्या इशारा करेगी वो? कुछ नहीं हो सकता. तू एक काम कर, इन सीरीज पे पैसा खर्च करना बंद कर दे. जस्ट भूल जाओ उस लड़की को, भूल जाओ उसे, कुछ नहीं होगा तेरा. कैसे भूल जाऊं मैं पॉल, उसे कैसे भूल जाऊं? क्या बात कर रहा है तू? देखो, रिलैक्स, कूल कूल डाउन, रिलैक्स. ऐसा प्यार में होता है, हौसला रखो. और व्हाट इन लव? यस मैन, आई एम लव. यस सुन, एक काम करते ना, कल उसकी शॉप में पहुंच जाते हैं, मूवी की टिकट. ठीक 5:30 बजे शाम. ओह नो, 5:30 बज गए और पॉल का कुछ पता ही नहीं है. 6 बजे तो फिल्म शुरू हो जाएगी और फिर टिकट्स भी तो लेनी है. देखो डैडी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ. बट सर, कहीं बाहर जाना है क्या? नहीं जी, वो देखो आज नेहा भी नहीं आई है. वो मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं 7 बजे लौट आऊंगा. प्लीज वेट. ओके बेबी. ओके. आज ही बाहर जाना था. कितनी मुश्किल से मम्मी से झूठ बोलकर आई थी कि फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, देर से आऊंगी. नो, अब पॉल आएगा तो मैं उससे क्या कहूंगी? हाय. ओह हाय, थैंक गॉड कि आप हो. क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए था? नहीं, मेरा मतलब आपने कहा था ना कि आप 5:30 बजे तक चली जाती हैं. वो मुझे आज रुकना पड़ा. गुड जी. आई मीन गुड इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं होती तो मेरा काम नहीं होता ना. कौन सा काम? वो कल मैंने बताया था ना आपको,
वो फिल्म फिल्म सीडी सीडी टीवी 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 पे मैंने उसका रेमो का एल्बम देखा है, आपके पास? हाँ है ना, तो दीजिए ना। हाँ यही वाली सीडी तो है। ओ, मेरी टिकट्स गिर गई फिल्म की। वो कल हम लोग बात कर रहे थे ना फिल्म की, तो मेरा बहुत मन किया फिल्म देखने के लिए, तो बहुत मुश्किल से लाए हूँ ब्लैक में। अकेले जा रहे हो? हाँ। ये तो दो टिकट्स हैं। नहीं, कोई है साथ में? हाँ वो एक दोस्त है, वो थिएटर पर आएगा शायद। आज आप देर तक रुकने वाली हैं? हाँ वो एक्चुअली मिस्टर चंपा किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, और वो जब तक नहीं आएंगे मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। कितने बजे तक आएंगे? वो शायद 7 बजे तक आ जाएंगे। क्यों? नहीं, इस चंपा क्लॉर को भी आज ही जाना था। कुछ कहा आपने? जी हाँ, आपको नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपकी सीडी पैक कर देती हूँ, वरना आपको फिल्म के लिए देर हो जाएगी। लाल, उसने ये सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। आज फिल्म के लिए सॉरी, कल कॉफी पीने चलोगे? पॉल, तुम्हारी सीडी। यार। 220। आपके पास दिलर मंदिर की कैसेट होगी? कॉफी शॉप है ना उसके जस्ट बगल वाली, वो वाला कॉफी शॉप? एग्जैक्टली वही वाला। आपने कभी वहाँ की कॉफी पी? नहीं। अरे यू मस्ट ट्राई, जिसने वहाँ की कॉफी नहीं पी समझो कुछ भी नहीं पिया। सुना तो मैंने भी यही है। अच्छा तो चलो ना, कहो ना, मैं भी चलती हूँ। साफ साफ का दिखाना चाहिए जितना, और फिर आगे क्यों पूछ रहे हो? साफ कहो ना, चलो मेरे साथ, चल रही। इतना भी क्या है, खुद बोल नहीं सकती। एक लड़की और कितना बोलेगी, कॉफी पिलाने में जान निकल गई। इडियट। नहीं कहा और तुमने मना कर दिया तो? चिट्ठी नहीं पड़ी क्या? जी आपने कुछ कहा? नहीं आपसे नहीं। आपकी बस आ गई, ये पालना करेगी। मुझे पता है। ये हुआ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। शिट, खराब है क्या आपका? सॉरी। क्या बेवकूफ लड़की है। अरे साफ साफ मैंने उसे कह दिया, बाकी क्या उठा के ले जाता कॉफी शॉप में? अगर कह देता चलो तो क्या छोटा हो जाता?
क्या क्या घिस जाता उसका जुबान जुबान घिस जाती उसकी अगर अगर मुझे ये कह देते कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ कॉफी हाउस क्यों कहूँ चिट्ठी में लिख तो दिया था फिर बार बार क्यों कहूँ मैं ही क्यों कहूँ इतनी बार आता जाता पागल हूँ ना मैं बेवकूफ हूँ गधा हूँ मैं बिल्कुल अकल नहीं है मुझे रोज पहुंच जाता हूँ वहां पर ये सीडी दे दीजिए वो सीडी दे दीजिए अरे ये वो एक दिन मैं पूरी सीडी की शॉप बना लूंगा घर पे और नाम रखूंगा पॉल एंड सन सन कहाँ से होंगे पॉल एंड ओनली पॉल म्यूजिक शॉप जितनी भी बार सामने आता है और मैं जो रात रात जाकर अपने दिल की बात कहने की प्रैक्टिस करता हूँ आईने के सामने खड़ा होकर वो सामने आके सब चौपट कर देती है इससे तो अच्छा है कि वो शॉप में ही ना आए नहीं आऊंगा अब कभी नहीं आऊंगा नहीं अगर वो नहीं आया तो ओ नो पॉल देखो तुम ऐसा मत करना तुम शॉप जरूर आना बिना जाए रहा भी तो नहीं जाएगा ना क्या लड़की है यार ऐसे देखती है कुछ कहा ही नहीं जाता अगर मैं भी कह देती हूँ चलते हैं नहीं पॉल इसमें उसकी कोई गलती नहीं गलती सिर्फ मेरी है मैं ही नहीं कह पाता हूँ झूठ मत बोल मुझे मालूम है तू उसी के साथ बाहर जा रही है तुझे मेरे लिए कुछ टाइम वाइम निकालने का नहीं मिलता है क्या हो गया है अब क्या बात कर रहे एक्सक्यूज मी एक मिनट ऐसे ही आप जल्दी में तो नहीं है ना नहीं नहीं क्या बात है बताइए जी दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ हाँ कहो देखिए अगर आपको आप मेरी बात बुरी लगे तो आप नाराज मत होइएगा ऐसी कोई बात नहीं कहो क्या कहना चाहते देखिए मैं काफी दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ इसीलिए आपकी शॉप में भी अक्सर आता रहता हूँ लेकिन वो बात नहीं कह पाता बोलो क्या कहना है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूछिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे मुझसे क्या मैं आपसे बोलो ना आगे कहो देखो मेरे कोई नाखून नहीं है मैं तुम्हें नहीं नोचूंगी देख लो नहीं बात वो नहीं है तो फिर क्या बात है बताओ दरअसल बात ये है कि क्या किशोर कुमार का कलेक्शन है आपके पास ये पूछना चाहते थे तुम मुझे इतनी देर से जी जी नहीं हाँ यही पूछना चाह रहा था आई एम सॉरी पॉल मगर आइंदा से तुम्हें कुछ भी सीरीज और कैसेट्स के बारे में पूछना हो तो शॉप पर आकर पूछा करो यहाँ सड़क पर नहीं ओके सुनिए सकता है पर अगर
तुमने नहीं कहा तो सारी जिंदगी ये मलाल रहेगा कि अगर कह देती तो शायद वो तुम्हारा होता। Yes. जी वो पॉल यही रहता है। हाँ और तुम कौन हो बेटा? मैं पॉल की फ्रेंड हूँ, वो मैं ये कैसेट देने के लिए आई थी। अच्छा अच्छा, कम 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 इन बेटा। जी आओ अंदर आओ, आओ ना कम इन। तुम इतना घबरा क्यों रहा है? आ जाओ, ये भी तुम्हारे घर का हिस्सा ही है। आओ बैठो बैठो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ओके पे है नहीं क्या? इधर ही गया है पास में, अभी आता होगा। लेकिन बेटा तुमको पहले कभी नहीं देखा मैंने। वो एक्चुअली पॉल आया करता था हमारी शॉप पर कैसेट्स और सीडीज खरीदने के लिए, पर ये कुछ 10-15 दिन से आया नहीं तो मैं ही चली आई ये कैसेट देने के लिए। अच्छा अच्छा, ऐसे वो गया कहाँ गया है? इधर ही गया है अपना फ्रेंड्स को इन्वाइट करने। उसका बर्थडे है क्या? तुमको नहीं मालूम क्या? पॉल बोला नहीं तुमको क्या? अरे कल उसका एंगेजमेंट है। क्या? हाँ अभी लास्ट वीक ही बात फाइनल हो गया। उसका डैडी आया ना, उसका डैडी नेवी में है, मालूम है ना तुमको। डैडी बोला पॉल का एंगेजमेंट कर दो। कल तो बेटा क्रिसमस है, इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है ना। और बहुत अच्छा लड़की है उनका फियांसी नैंसी। तुम कल एंगेजमेंट में जरूर आना बेटा। अभी तुम बैठ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं आंटी, बस मैं अभी चलती हूँ। अरे क्यों? मुझे थोड़ा काम है, मैं जल्दी में हूँ। मैं और ये कैसेट फिर अब... डोंट वरी बेटा, मैं पॉल को दे दूंगी। हाँ लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा, देखो कितना सीडी खरीदा अभी तक पैकेट में से बाहर नहीं निकाला। म्यूजिक का तो जरा भी शौक नहीं इस लड़के को, इतना सीडी और कैसेट क्यों खरीदा? आंटी मैं चलती हूँ। ओके बेटा। अरे सुनो, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं मुझे। नाम? अरे कॉल पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी, कौन आया था? म्यूजिक स्टेशन वाली लड़की है। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। कैसे उसने नहीं खोली होगी उन बाकी सीडीज की तरह। नेहा, किसी की तबीयत इतनी खराब हो सकती है? मुझसे बहुत देर हो गई है, बहुत देर। कल क्रिसमस है और सेंटा क्लॉज के पास सबको देने के लिए कुछ ना कुछ होता है। उसकी झोली में तुम्हारे लिए भी कोई तोहफा जरूर होगा। पॉल, हाय, मैं शेरी, पहचाना? म्यूजिक स्टेशन वाली लड़की, वहां जहां तुम पहली बार गलती से आए थे और फिर रोज आने लगे थे सीडीज खरीदने, और मैंने तुम्हारी खरीदी हर सीडी और कैसेट के साथ वो लिख दिया जो तुम कह नहीं पाते थे, जो मैं सुनना चाहती थी।
तुम्हें पता है जब पहली बार तुम्हें देखा तभी लगा था कि तुम्हारे लिए बनी हूँ मैं और तुम मेरे लिए। ये तुमने कभी नहीं कहा, उस दिन भी नहीं जब हम आखिरी बार मिले। उस दिन से आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ लेकिन तुम नहीं हो, सो मैं ही चली आई वो कहने जो तुम नहीं कह पाए। तुमसे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तो कह दिया, तुम भी कह दो ना। I love you, sir.